This is a wonderful day, my dear friends, to live. For Jesus और मेरे ये दिन एक दिन है प्रभु यीशु मसीह के लिए और इस नए दिन के लिए हम परमेश्वर का वचन बताता है कि उसकी दया नई है so इसलिए मेरी प्रार्थना ये है कि आज के दिन आप परमेश्वर की नई दया को आज की सुबह मैं आपके बीच में एक मनन को रखना चाहता हूँ जो कि है क्रूस द बाइबल से वचन बताता है एनी वन हु ऑन अ क्रॉस इज खर्स कि जो कोई भी उस क्रूस पर लटकाया गया वो श्रापित है The Romans used crucifixion to punish worst kind of criminals। रोमी साम्राज्य के जो लोग थे वो क्रूस पे चढ़ाते थे ऐसे लोगों को जिन्होंने सबसे ज्यादा गलत काम criminals. जो लोग होते थे kind of और इसी प्रकार के क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह को भी लटकाया गया और इसी क्रूस पर यीशु मसीह ने अपने he और इसके द्वारा वो श्रापित ठहराया गया How did it happen? ये कैसे हुआसॉन हिस्स बॉडी और वो पाप और वो सारे श्राप उसके शरीर पर आ गए एंड एवरीथिंग टू कम अपॉन आर एक वो बात जो हमारे ऊपर आनी थी बट

ये क्या है इट इज अ प्लेस ऑफ utter humiliation और ये तो एक ऐसा स्थान है जहां पर सबसे ज्यादा दीन हो जाते हैं and shame और ऐसा स्थान जहां पर सबसे ज्यादा बेज़ती हो जाती है a place of curse in its ugliest manifestation और एक ऐसा स्थान जो कि श्रापित स्थान है अपने सबसे भयंकर और दुष्ट प्रकटीकरण में a place मैनिफेस्टेशन ऑफ सिन इन इट्स अग्लियस्ट फॉर्म और एक ऐसा स्थान जहां पर पाप अपने सबसे बुरे रूप में प्रकट होता है प्लेस ऑफ रेवल और ये वो स्थान भी है जो प्रकाशन का है हाउ डार्क सिन कैन बी कितना भयानक और कितना अंधकार पाप हो सकता है और हाउ सिनफुल कैन बी सीन और कितना या दूसरे शब्दों में कितना पापी एक पाप हो सकता है और एक ऐसा स्थान जो दुख में पीड़ा में दर्द में सबसे भयंकर स्थान हो एंड हाउ ब्रूटालिटी मैनिफेस्ट इट सेल्फ In its form. और कैसे वो भयंकर रूप से ताड़ना खुद को प्रकट करती है जो मनुष्य की असहायता को दिखाता है एक बहुत ही बड़े और गहरे रूप में इस लोनलीनेस उसके एकांत एंड द डार्कनेस ऑफ उस स्थान का अधिकार, uh, the cross, the द

it was the place chosen by God Himself to be the place of greatest revelation of what His divine love is. He chose the cross to be the place of expression of forgiveness.

ओनली वन हु कैन गिव यू एनी लाइट और एक कोई भी ऐसा जन जो उसकी ओर देखा और इस बात पर विश्वास किया कि वही सिर्फ एक है जो हमें ज्योति दे सकता है एनी लाइट वेयर टू सी वेर यू आर डाइंग ब्रथ कैन लीड यू और एक ऐसा स्थान जहां पर आप देखने पाए कि आपके मरती हुई सांसें आपको कहां लेकर के जाती हैं। एज यू वॉक थ्रू द डार्कनेस और जैसे आप उस अंधकार से हो करके निकलते हैं darkness of the valley of death. और वो मृत्यु की घाटियों से हो करके उस अंधकार से आप निकलते हैं. It is the cross. ये वो क्रूस है. The light comes. And guide us. और तब उस क्रूस से ही वो ज्योति आती है और हमारा मार्गदर्शन करती है द क्रॉसली प्लेस माई सीन बर्ड अवे और वो क्रूस सिर्फ एक ही ऐसा स्थान जहां से मेरे पापों का बोझ मुझसे हटा दिया जाता है द क्रॉस वो क्रूस द वर्ल्ड बिगेस्ट ऑल्टर और वो संसार का सबसे बड़ी वेदी as thousands and tens of thousands and millions or even billions of souls have come to the foot of the cross And, and found their freedom the cross where i lay my own sacrifice और वो क्रूस जहां पर मैं खुद अपना बलिदान चढ़ाता हूं इज वाई ओन सेक्रीफाइस और वो मेरा खुद का क्या बलिदान है माई लाइफ मेरा जीवन वेर आई एम क्रूसिफाइड विद क्राइस्ट और जहां पर मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ उस क्रूस पर चढ़ा दिया जाता हूँ द क्रॉस वो क्रूस वेर आई फाइंड द ग्रेटेस्ट फ्रीडम थ्रू द टोटल सरेंडर वेर आई मेक My confession. और वो क्रूस जहाँ पर मैं अपनी सबसे आजादी को पाता हूँ पूर्ण सम्पर्पण के द्वारा वट इज देशन और मेरा अंगीकार क्या है इट इज नो लॉन्ग हाई हू लिव अब अब तो मैं नहीं जीता बट क्राइस्ट लिव्स इन मी लेकिन यीशु मेरे भीतर जीवित है द क्रॉस वो क्रूस वेर आई फर्स्ट सी द लाइट जहाँ पर मैंने सबसे पहले उस ज्योति को देखा light bursting forth, और एक वो स्वर्गीय ज्योति जो बाहर चमकती निकल गई अपॉन मी जो मेरे ऊपर थ्रो दैट डार्कनेस उस अंधकार और मोटे अंधकार में से होकर फ्रॉम हियर आई बिगिन माई लाइफ और यहाँ से मैंने अपने जीवन का शुरुआत किया फ्रॉम द क्रॉस उस क्रोस से A new and glorious life. <laughs> from the cross, <laughs> I begin a journey. A, a journey forward, which leads, leads into the light from the golden lampstand. और जो ज्योति मुझे उस स्वर्ण चिराग की ओर लेके चली गई आई नो लॉन्ग वॉक इन डार्कनेस और अब मैं अंधकार में नहीं चलता वेर द वर्ल्ड ऑफ डार्कनेस ऑफ सिंध इज क्रूसिफाइड टू मी जहां पर वो संसार का अंधकार मेरे लिए उस क्रूस पर चढ़ा दिया गया है एंड आई अ चाइल्ड ऑफ डार्कनेस ऑफ सिंध वर्ल्ड और मैं जो अंधकार का बेटा था अंधकार में खोया हुआ था मैं खुद को संसार के लिए क्रोषित कर लेता हूं Where all my curses is gone। जहां पर मेरे सारे श्राप मुझसे अलग कर दिए जाते हैं and therefore I shout and say, और इसलिए मैं चिल्ला करके कहता हूं गुड बाय

और ये है वो क्रूज जिसने हमारे लिए किया इट इज फॉर यू एंड इट इज फॉर मी और ये आपके और मेरे लिए है टेक इट फॉर योर और इसे अपने लिए एंड लिव विक्टोरियसली और इसे जयवंत रूप से जी ब्लेस यू और परमेश्वर आप सबको आशीष दे ओ माई लॉर्ड एंड माई गॉड मेरे पिता मेरे स्वर्गीय परमेश्वर ब्लेस माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स यंग एंड और बच्चों सबको अपाशीषित करिए वी है आज के दिन हमने तेरे वचन को सुना है बट मेक इट अवर फैसनल होने दे हमारा व्यक्तिगत अनुभव बन जाए एंड लिव अफाइड लाइफ और हम एक क्रूसित जीवन को जीने पाए जो परमेश्वर के लिए निरंतर रूप से जीवित और कार्यरत है हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। इसलिए हम तेरी आत्मा को पुकारते हैं टू खाम अस और हमारा मार्गदर्शन दर्शन करे ओपन अवर आई हमारी आत्मिक आँखों को खोल, इन जीसस नेम यीशु के नाम में आमीन, आमीन, गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड मेरे मित्रों परमेश्वर आप सबको आशीष दे, ये एक महान दिन है and enjoy this day. और इस दिन का आनंद आप आमीन, आमीन.